नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.1। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऐसा कह रहा है कि जिसका एंगल 30 डिग्री हो और रेडियस 4 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे सेक्टर का एरिया निकालो। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो दो चीज कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर तो इसको कहेंगे, अगर सिंपली कहेंगे माइनर सेक्टर को एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, और फिर जो बच गया वो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है। सो इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर इट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री। फार्मूला पहले लिखना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। सो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 4 स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में निकाल लें, 30 से इसको कट करेंगे तो इट विल कम एज 12। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसे कट करेंगे तो 3 1 जाते 3 2 जा 6, सो 12 आ जाएगा। नाउ 3.14 इंटू 16/12, 4 से कट कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, उससे एरर कम आती है। सो 12.56/3, नहीं तो इरर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पहले डिवाइड आपने कर दिया तो इरर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, और ये 26 है, तो 3 8 जार 24। सो 4.18 आया है, फिर 20 बच जाएगा तो 8 8 आ जाएगा, दैट इज 3 7 जार 20 आएगा, तो 3 6 18, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब 6 आने पर आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो इट इज आफ्टर राउंडिंग ऑफ बिकम्स 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए अगर ये 30 डिग्री है तो जितना एंगल बच गया है वो 300 डिग्री है। तो हम मेजर सेक्टर का पता कर लें, एरिया। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सो अब इसका पार्टिसिपेशन 300 डिग्री का है, 360 में से, इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। सो आर है 4, तो 4 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, एंड 30, 3 से कट कर दीजिए तो 10, और इसे करेंगे तो 12, 10/12, और फिर 2 से भी कट कर दें, सो 5/6। अब 16 4 4 जार 16, 16 5 जार 80। सो 3.14 इंटू 80/6, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। सो दिस इज 40, दिस इज 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इट इज 12.56। सो ये आ जाएगा 125, 124 से मल्टीप्लाई कर लें, 124 4 16, तो इतना आ गया, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और अपॉन 3।
थ्री से इसको डिवाइड कर लें, थ्री फोर जार 12, थ्री वन जार 3, सो 26, सो 41.5 नाउ देयर इज अ मिस्टेक हियर, इफ द एंगल इज 30 डिग्री देन द एंगल रिमेनिंग एंगल विल बी 330 डिग्री, तो इसको 330 करें, सो दिस इज 330 डिग्री, एंड 330 डिग्री को जब हम कट करेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, थ्री से कट करने के बाद 11, और नीचे 12 बचेगा, फिर ये आगे नहीं कटोगे, सो नाउ इट इज 11/12, 11/12 तक ही रखेंगे इसको। अब इसके आगे यहाँ पर 3.14414 × 11 × 16/12, तो यहाँ 12 बच गया, ये चीज़ हो गई, 12 से इसको कट कर दो, तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर 11 4 ज़ा 44, तो 44 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3.14 × 44, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56, 12.56, और फिर 4 से कर दो, सो 12.56, दैट इज 61831, सो 138.16, इसको लिख लें 138.16, फिर 3 से इसको डिवाइड करें, सो 3 4 ज़ा 12 एंड 18 3 6 ज़ा 18, फिर डेसिमल लगा दें, लेकिन एक डिजिट में जाएगा नहीं, इसलिए इसमें एक और जीरो लगाइए, क्योंकि फर्स्ट डिजिट में नहीं जा रहा है, उसके बाद फिर उसके बाद 3 5 ज़ा 15, ऐसा हो जाएगा, तो 46.05, तो 5 हो या 5 से ऊपर हो तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर बुक में ऐसा दिया गया है कि 46.1 ये चीज़ आ गई, सो ऐसा करने से ये आ गया। वैसे होता क्या है कि 5 के केस में अगर पहले इवन नंबर है तो सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, और ऑड नंबर है तो ही इंक्रीज करते हैं, लेकिन बुक में 0 के केस में भी बढ़ा दिया गया है, तो मैंने भी बढ़ा दिया है, वरना इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 5 को ड्रॉप कर देते हैं, और 1 3 उसके पहले अगर 1 3 5 7 9 हो तो ही बढ़ाते हैं, बट बुक में किया गया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका दूसरा तरीका भी है करने का कि दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दें तो भी आ जाएगा, क्योंकि आपको मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, तो मेजर सेक्टर के एरिया के लिए आप इसे माइनस कर दें, जो हमारा ये माइनर सेक्टर का एरिया है, अगर आप इसे हटा दें, ये हट जाए, तो फिर जो बच गया वही मेजर सेक्टर का एरिया है, सो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पर पूरे सर्कल में से इसे हटा दें, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और माइनस सर्कल का कितना आया है 4.19, तो ये 4.19 लिखिए। नाउ इट इज 3.14 × 4² -4.19, ये ज़्यादा आसान तरीका ये भी किया जा सकता है, सो 16 है, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14 को, 16 4 ज़ा 64, 16 1 ज़ा 16 + 6 दैट इज 16 + 6 = 22 एंड 16 3 ज़ा 48, तो ये 50 हो गया, सो इट कम्स एज 50.24 -4.19। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सो 50.24 एंड 4.19, सो इट इज 5 एंड
यहाँ 5 हो गया तो 0 हो गया, और डेसिमल फिर इसके बाद 46, तो 46.05, तो 46.05 ही आ रहा है, और बुक में फिर उसे राउंड ऑफ किया गया है, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अप्रोक्सीमेटली 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख दिया गया है, ऐसे अप्रोक्स लिख देने से चल जाएगा। नाउ दिस वाज एग्जांपल 2। एग्जांपल नंबर 3 जिसमें कि हमें सेगमेंट का एरिया निकालना बताया जाएगा। सो एग्जांपल नंबर 3, हियर द क्वेश्चन इज गिवेन दैट, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और पूछा गया है कि सेगमेंट का एरिया बताओ, जबकि एंगल सेंटर पर ये कितना बना रहा है, 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री बना रहा है, एंड दिस इज ए बी कॉर्ड और इसका एरिया हमको निकालना है, ये चीज पूछी गई है कि फाइंड द एरिया, ये सेंटर पर और ये रेडियस 21 सेंटीमीटर, सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बन रहा है, सो हाउ टू फाइंड आउट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, लेट इस पहले बेसिक मेथड लगाते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दीजिए, ये सेक्टर है, इट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ये चीज है। अब ये जो हमारा ट्रायंगल है, हम इसका एरिया कैसे निकालें, इसके लिए इसमें इस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 21 है, दिस इज 21, ये 60 डिग्री है, तो उसके लिए आप क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएं, दैट इज एम ए बी ओ, सो यहां पर आप जहां एंगल होता है वहीं खड़े हुआ जाता, तो यहीं खड़े हो जाओ, तो यहां अगर खड़े हो जाओगे तो साइन 60 क्या होगा, और इसी ट्रायंगल की बात करो, इधर वाली ये ट्रायंगल भूल जाओ, सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल ओ एम बी, पहले मैंने परपेंडिकुलर डाला तो एंगल बाइसेक्ट हो गया, 120 का आधा हो गया, क्योंकि इन आइसोसेलीस ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर, सो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 इज एम बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस बाई 21, एम बी बाई ओ बी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाई 2 इज एम बी बाई 21, तो हमें इससे एम बी का पता चल जाएगा, एम बी के एम बी निकालने के लिए 21 को ऊपर ले लो, सो 21 इंटू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू एम बी, लेकिन ए बी क्या है, 2 एम बी, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये साइड बाई सेक्टर भी होगा सामने वाली साइड को, कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पर, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा सकती है, दैट इज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर सीपीसीटी से इसके इक्वल हो जाएगा और एंगल भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी इज 2 एम बी, क्योंकि वो उसका डबल है, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 21 रूट 3 बाई 2, तो 2 और 2 कट गया, सो इट इज 21 रूट 3 सेंटीमीटर, तो हमें बेस पता चल गया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट चाहिए, तो यहां पर हमने बेस का पता कर लिया, अब हाइट निकालनी है, अब देखें हाइट निकालने के लिए अब आप चाहें तो इस पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको एम बी की वैल्यू पता चल गई, और नहीं तो कॉस की मदद से भी निकाल सकते हैं, तो हम कॉस की मदद से निकाल लेंगे, सो दिस इज इन ट्रायंगल साइन 60 हमने लगाया, अब इसी में आप लगाइए कॉस 60,
सो व्हाट अबाउट कॉस 60? कॉस 60 यहीं खड़े हो जाओ जहां एंगल है। सो बेस बाई हाइपोटेनियस दैट इज MO/21, MO/21 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सो MO/21 अगर 21 ऊपर चला जाए तो ये MO हो जाएगा। तो MO की वैल्यू कितनी हो गई? 10.5 सेंटीमीटर, इट इज MO। अब हमको कॉस 60 और ए भी सब कुछ पता चल गया है। इनके पता चलने से हम ट्रायंगल का एरिया पता कर सकते हैं, तो हम इसके ट्रायंगल का एरिया पता कर लें। सो एरिया ओ ए बी इज हाफ इंटू ओ एम इंटू ए बी, दैट इज बेस इंटू हाइपोटेनियस। सो ए बी इंटू एम ओ, सो इट इज हाफ। ए बी कितना आया है? ए बी की वैल्यू आई है 21√3, और एमओ कितना आया है? 10.5, तो ये रख दें। सो दिस इज एरिया ऑफ दिस। अगर आप 2 से इसे कट कर दें तो ये 5.25 आएगा। तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, 21√3 × 5.25, ये तो एरिया हो गया 20। तो अब इसमें रूट थ्री है तो 7.321 वैसे रूट थ्री की वैल्यू होती है, बट इसमें रूट थ्री को सॉल्व नहीं किया गया है तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रूट थ्री रखा गया है। आप 21 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज है। इसको अभी यहां पर ऐसे ही रखते हैं, और ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ये लगा दें, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो हमारा आ गया है, और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लें। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ओएबी जो कि ट्राइंगल का एरिया है। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब देखें, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। आप सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल हटा दो, ये सेगमेंट आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या है? सेक्टर में, सेक्टर का हमें फार्मूला पता है, दैट इज, एक बार फार्मूला लिख दें क्योंकि फार्मूले पे मार्क्स हैं, दैट इज θ/360° इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ओ ए बी। अब अगले स्टेप में वैल्यू डाल दें। सो इट इज 120° अपॉन 360° इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दी है और आर 21 है। सो 21 का स्क्वायर कर लें और माइनस इसका एरिया कितना है? 21√3 और 10.5/2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो सब इंटीजर में आएगा, तो डेसिमल में ना बदलें, यहीं पे लिखते हैं 10.5/2, तो यही लिख लो, यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। आंसर मिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 10.5/2। सो इंटू 10.5/2 जो कि हमारा एरिया यहां से निकला था 21√3, 10.5/2, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख दिया है। ये कट कर 3 आ जाएगा, सो दिस कम्स एज 3। फिर 3 से इसे कट कर दो, 3 से कट करोगे तो 7 आएगा, और फिर 7 से भी ये कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? 22 × 21, सो दैट इज 22 × 21 माइनस, और क्या क्या चीजें हैं? 21√3, सो 21√3। अब देखिए 10.2, 10.5 है बाई 2, तो इसको इन्होंने क्या किया है? 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया है, या 2 से ना मल्टीप्लाई करना चाहो तो डेसिमल हटा के 0 करो और सिंप्लीफाई करो, ये भी कर सकते हो।
और नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 बन जाएगा। अदरवाइज डेसिमल हटा के 0 लगाइए, 4 से कट करिए, वो भी एक तरीका है। 4 से कट करें या 5 से कट करें, वैसे भी किया जा सकता है, और 2 से भी कर सकते हो। तो मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, और फिर कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा। मान लीजिए आपने डेसिमल हटाया और 0 बढ़ा दिया, अब 5 से इसको कट करो, तो 5 2 या 10, 5 बन जा 5, फिर इसको भी 5 से कट करो, ये 4 आ गया। अब 21 को कॉमन ले लो, इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, तो अंदर 22 आया, और इधर क्या आएगा बताइए, 21√3/4, क्योंकि यहाँ पर दो 21 हो गए, एक ये 21 एक ये 21, तो एक 21 हमने कॉमन लिया। फिर अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो, तो 88 − 21√3, एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम हो गया, दिस इज 21/1। फिर ये 4 भी बाहर ले लो, सो 21/4 88 − 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप कहेंगे कि एक फार्मूला भी था, तो क्या हम उससे भी कर सकते हैं? तो हाँ, उससे भी किया जा सकता है। सो व्हाट वाज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ सेक्टर? सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सो एरिया ऑफ सेगमेंट का हम फार्मूला देखें, उससे एक लाइन में ही आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, वैसे ये फार्मूला भी चलता है और इस पे मार्क्स मिल जाते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ऐसा होता है। सो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ और आर स्क्वायर साइन थीटा, ये चीज आई थी। ये 120 डिग्री था अपॉन 360 डिग्री पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22/7, आर की वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस हाफ, आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। साइन थीटा है तो साइन 120 रखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा 120 है, और हमने आपको बताया था कि साइन अगर 90 से ऊपर है तो उसको 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, और साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है। इसका प्रूफ आपको 11th में बताया जाएगा। तो कॉस 30, तो 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा भी होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब ये वैल्यू साइन 120 की आप अगले स्टेप में डालें, पहले तो साइन 120 लिखें, पहले पहले स्टेप में वैल्यू प्लेस की जाती है फिर डाली जाती है, उसको सॉल्व किया जाता है, तो पहले प्लेस करिए फिर सॉल्व करें। अब देखो यहाँ से 1/3 आ जाएगा, सो 1/3 × 22/7 × 21 × 21, 7 और 3 दोनों से मिलके एक 21 चले जाएंगे, और माइनस हाफ इंटू 21 × 21 × √3/2, ये चीज हो गई। तो अब इसमें एक 21 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर 22 माइनस एक 21 चला गया, 21√3/4, और फिर अगर हम एलसीएम ले लें तो इट इज 88 − 21√3/4। सो इस तरीके से ये दूसरा मेथड है। आप सिंपली ये फार्मूला लगाएं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये फार्मूला लगाएं और कर दें, आपको फुल मार्क्स है, ये भी किया जा सकता है। तो हमने देखा कि फार्मूले से भी कर सकते हैं, वरना बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 12.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज इट इज रिमार्क इज गिवन दैट टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड, सो फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल
हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। ऐसा कह रहा है कि एक सेक्टर का एरिया निकालिए जिसमें सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सो इट इज 60 डिग्री बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, तो 6 × 6 लिख लें, ये 6 टाइम्स जाएगा और एक सिक्स से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 × 6 दैट इज 132/7। अब अगर आंसर में इसको सॉल्व किया है तो फिर हम भी डेसिमल में सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं किया है तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ इसको कुछ भी नहीं किया गया है, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बैक साइड में आप देख लें, यही दी गई वैल्यू। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर इज दिस, इस सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया, इसको शेड भी कर दिया। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। कह रहा है कि एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, दैट इज 1/4 पार्ट। तो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका कि सर्कमफ्रेंस दिया है, तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। सी इज 22 सेंटीमीटर, दैट इज 2 π r इज 22। सो 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। 22 दोनों तरफ से कट गया, या डिवाइड करके भी कट सकते हैं। सो आर कितना आ गया? 7 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला आया, क्योंकि नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, तो आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर हो गई। हमको तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जो कि 1/4 है, वो भी एक सेक्टर ही होता है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, दैट इज 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। जो आर की वैल्यू आई थी वो रख दी, 90 से ये कट के 4 आ जाएगा, 7 से ये कटेगा तो 0.5 आएगा, दैट इज 0.5, क्योंकि डेसिमल के बाद की चीज आप ले रहे हो, और 22 × 5 110 होता है, लेकिन डेसिमल होने की वजह से वो 11 ही रह जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको 11 हुआ, और 11 में 4 का 11 ऊपर आ गया, 11 यहाँ है, तो आप इस चीज को लिख लें जो जो चीजें बची हैं, फिर उसके आगे देखेंगे क्या हुआ। इट इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 4, हो गया 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें 3.5 को, एंड फिर देखते हैं कि क्या चीज हो सकती है। तो डेसिमल हटा लें, डेसिमल हटा के 0 बढ़ा दें, अब 5 से कट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 से हमने कट कर दिया, 5 × 7 = 35, तो इट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट इट इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक है और उसमें यह दिया गया है
मिनट हैंड की क्या लेंथ होती है? मिनट हैंड तो पूरा जो भी उसकी लेंथ होती है, यहाँ सेंटर से आप ले लें तो दिस इज कहीं भी है, मिनट हैंड आप ले लें ऐसे, ये है मिनट हैंड, फिर कहीं आवर हैंड भी हो सकता है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो वो पूछ रहा है कि अगर ये इतना आ जाए तो वो कितना एरिया स्वीप करेगी ये मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है अगर 5 मिनट चल दे तो वो कितना एरिया स्वीप करेगी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। अब जरा देखें, सो इन 60 मिनट्स इट स्वीप 360 डिग्री। इन 60 मिनट मिनट हैंड स्वीप्स 360 डिग्री एंगल, सो इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कैसे करेंगे? पहले 1 मिनट में निकाल लें, मिनट हैंड विल स्वीप 360 बाई 60, सो इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना वो करेगी? इट इज इक्वल टू, ये कट के यहाँ से आ जाएगा 6 डिग्री, तो इट इज 6 डिग्री इंटू 5 जो कि 12 डिग्री होगा, 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री एंगल स्वीप करेगी, सो दिस इज 30 डिग्री। नाउ द एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज, इसमें 30 डिग्री हो गया, और ये भी दिया गया है जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, या एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का फार्मूला लगा दें, दिस इज 30 बाई 360 इंटू 22/7, और रेडियस 14 दिया है, ये देखिए रेडियस 14 दिया है, तो 14 रख देते हैं, 14 इंटू 14, 14 इससे कट के 2 आ गया, 0 से 0 कट गया और ये आया 12, 12 है तो ये कट के 6 आ जाएगा, और 6 फिर इससे कटेगा, 2 2 से कटेगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, अब इसके आगे नहीं कट सकता है। सो इट इज 154/3, 154/3। अगर पीछे सॉल्व किया गया है तो हम भी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं किया गया तो नहीं करते हैं, तो पीछे नहीं किया गया है। तो इस तरीके से द एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज दिस मच, एंगल वन फिफ्टी फोर बाई थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस मच एरिया इज स्वेप्ट, तो आप लिख लें एरिया स्वेप्ट बाई मिनट एंड। नाउ तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।